इतना रश है, मतलब कोई भी कहीं से अचानक से ओवरटेक ले लेता है, कहीं कोई बाड़ देता है। मतलब भाई कुछ भी नहीं है, ख़त्म। ज़्यादा सेल्फ मारूंगा तो बैटरी भी डाउन हो जाएगी। करना क्या, आप गाड़ी को धक्का लगा के ले जाने। तो शुरू करते हैं भाई आज का ये ब्लॉग। मेरा नाम है आरिफ सैफी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरिफ सैफी ब्लॉग्स। मैं नहीं चाहता कि भाई मैं थोड़ा सा भी रश करूँ ट्रैफिक में, पर ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। और मुझे तो ये आती है जिनों के पास 10R जैसी बाइक है, 1000 RR, वो कैसे खर्चा झटका झेलते होंगे जो 13 और 12 की माइलेज देती हैं बस। भाई बोलने का मन नहीं करता जब गाड़ी भगाते हैं ना। मुझे ये समझ में नहीं आती राजा डीसी और रईस मलिक, ये बंदे पता नहीं कैसे भगाते होंगे यार। मतलब वहाँ जम्मू में इतना ट्रैफिक रहता है ना कि बस क्या ही कहने। और बताओ इतनी हाई स्पीड में वहाँ पे ओवरटेक और लीन वगैरह करते हैं। हाँ एक बात और भी है ना, उनके पास गाड़ी भी बढ़िया परफॉर्मेंस वाली है। मेरे पास पल्सर 220 है, इसमें परफॉर्मेंस है, पर वो वाली फीलिंग नहीं आती भाई जो होनी चाहिए। देखो कितना रस है, मतलब कोई भी कहीं से अचानक से ओवरटेक ले लेता है यार, कहीं को भी बाड़ देता है। भाई रिएक्शन देखो कैसे मिल रहे हैं भाई, रिएक्शन कहाँ भाई। मुझे ये कोई अचानक से ब्रेक ना लगा दे। ओ भाई मुझे ये भी डर है गाड़ी का पेट्रोल कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि भाई इसमें एक भी सेल नहीं आ रहा है। और बस किसी चीज़ का डर नहीं है, बस पुलिस वालों का ही डर रहता है हम जैसे बंदों को। तो थोड़ा सा चला दें भाई, कटवट ज़्यादा नहीं मारेंगे। और भाई सच में ओवरटेक नहीं करने दे रहे मुझे लोग। हम यहाँ से ले लेते हैं गाड़ी को साइड में से। और भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा इस वजह से भी लो है क्योंकि भाई गाड़ी का अगला टायर जो ना बिल्कुल भाई खत्म पड़ा है, और मैं रिस्क लेना चाह नहीं रहा। फिर भी भाई मोटो ब्लॉगिंग तो करनी है किसी भी तरीके से, क्योंकि भाई बहुत दिनों में चैनल पर वीडियो आती है, तो इस वजह से मेरी अकाउंट की रीच कम आने लगती है। तो मैं सोचता हूँ कि ब्लॉग कंटिन्यू करूं, अगर करनी है तो भाई कुछ, अगर लाइफ में कुछ अचीव ही करना है। और देखो मतलब कैसे ब्रेक बज रहे हैं भाई, ये गियर नीचे और सारी दुनिया पीछे। और ऊपर जो ना भाई मेट्रो स्टेशन, मतलब मेट्रो वगैरह जा रखी है ये। भाई मॉर्निंग में जो ना राइड करने का अलग ही मज़ा आता है। मॉर्निंग की तो बस क्या ही कहने, मैं चाहूँ तो थोड़ा रस कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं करना नहीं चाह रहा क्योंकि भाई ये इलीगल है। और अगर मैं करूँगा भी तो बहुत सेफ्टी के साथ करूँगा, अपनी कटिंग वगैरह जो सही हो ठीक हो, जिससे मुझे और दूसरे को कोई परेशानी ना हो। जैसे कि तुमने देख लिया होगा अभी तक मैं कितने सेफ तरीके से चला रहा हूँ, और कोशिश करूँगा चलाऊँ भी मैं ऐसे ही, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई मेरी वजह से किसी को कोई चोट वगैरह लगे और ना मुझे। क्योंकि भाई बचपन में मैं जब चलाता था ना मेरे बहुत एक्सीडेंट होते थे, बहुत ज़्यादा। मैंने कभी ब्लॉग में जिक्र नहीं किया होगा, पर मैं आप बता रहा हूँ भाई इस ब्लॉग में बहुत एक्सीडेंट हुए थे जब मैंने चलाने की शुरुआत की थी। और उस टाइम पर मेरे पास प्लग ही ना होती थी, ना उसमें ब्रेक ना कुछ। उस समय बहुत हाई स्पीड चलाता था, और मेरे चाचा के पास थी डिस्कवर जो कि 125 ST थी। ST तो जानते हैं बहुत से लोगों के पास होगी, और डिस्कवर तो भाई बहुत पहले से चलाता हूँ मैं। मतलब जब मेरे चाचा जी के पास वो थी ना डिस्कवर, वो भी बहुत चलाई है उसे, तो हमने मॉडिफाइड की हुई थी भाई, उसमें एग्जॉस्ट वगैरह लगा रखे थे हमने उस टाइम पर जब गाड़ियाँ ज़्यादा किसी के पास नहीं होती थी। अभी से भाई मैं गाड़ियाँ चला रहा हूँ, तो भाई अभी पीछे मतलब बहुत ज़्यादा रस था। और भाई मैं सच बता रहा हूँ ना, इतने नाके लगे हुए थे ना बहुत ज़्यादा यार, मतलब सच में इतनी पुलिस थी ना बहुत ज़्यादा। एक ही जगह पे बस लगभग 100-150 मीटर के एरिया में कम से कम 2 जगह नाके लगे हुए थे, और मैं पीछे से आया था पीछे से नाके। और अगर कैमरा हो तो कैमरे की बात अलग हो जाएगी थोड़ी। और अभी भाई मैं कितनी स्पीड से चला रहा हूँ, पर है मेरे सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल में। और भाई बस मुझे एक ही चीज़ का डर लग रहा है, अब तो कहीं फ्यूल ख़त्म ना हो जाए मेरा, क्योंकि भाई फ्यूल बहुत कम है गाड़ी में इस टाइम। और भाई ज़्यादा भगाने की कोशिश नहीं करेंगे। और भाई सच बताता हूँ, ये पुलिस वाले कहते हैं ना इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो तो भाई वो बहुत ज़्यादा सही कहते हैं, क्योंकि भाई आपको तो ऐसा लगता होगा सब कुछ एंगल सेट आ रहा है। ये सच बताऊँ ना, सच्चाई भाई ये है कि हम ब्लॉगर्स को जो है ना भाई बार बार कैमरे का एंगल ठीक करना पड़ता है, क्योंकि वो
अगर हम ज़्यादा ऊपर देखेंगे तो कैमरे का एंगल ठीक नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा, और ज़्यादा नीचे देखेंगे तो बिगड़ जाएगा दोबारा। तो इसी वजह से हमें सब कुछ देख के सही तरीके से शूट करना रहता है। इसलिए कहते हैं ना भाई, ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है, देख कहने में ही आसान है भाई, सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लोग भगाने वाले इस रोड पर भी भाई 100-150 जा रहे हैं, भगाने वाले जा रहे हैं, पर भाई इसका मतलब ये थोड़ी है मैं कॉपी करने लगूँ किसी भाई पर, मैं अपने कंट्रोल में चलानी है ना। देखो इस सेंट्रो पाले के पास जगह थी कि मुझे ओवरटेक करने के लिए जगह दे दे, पर इस बंदे ने दी नहीं ना बिल्कुल भी। अपनी गाड़ी का तेल खत्म हो चुका है ऑन हाईवे पे भाई, देखो मतलब दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नजर नहीं आ रहा मुझे, और सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है। चौक में भी लगा ली भाई, चौक में भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा बिल्कुल भी। देखो भाई कतई मतलब भाई कुछ भी नहीं है, ख़त्म। ज़्यादा सेल्फ मारूँगा तो बैटरी भी डाउन हो जाएगी, करना क्या आप गाड़ी को धक्का लगा के ले जाने, क्या करें बस भाई, परेशान हैं हम भी, देखते हैं अब क्या रहता है। कम से कम इसे मैंने 2 किलोमीटर पैदल खींचे भाई, सच में हालत खस्ता होगी, सच बता रहा हूँ भाई, मुझे पता नहीं था कि इतनी तेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा अंदाज़ा लगा रखा था कि मेरे घर तक पहुँच जाएगी। यार सच में यार थक गया, चलो पास ही में पेट्रोल पंप पे दिख रही होगा इंडियन ऑयल, तो बस देखते हैं अब क्या सीन रहता है, मिलता है कि नहीं। भाई पेट्रोल पंप के जस्ट साइड में ये कैंटीन है, और यहीं मैं भाई मैं हूँ अभी कुचेसर चोपला पे, और मुझे इस पेट्रोल पंप का बहुत फ़ायदा दिखाई दिया है आज, क्योंकि बहुत टाइम से मैं खींच रहा था गाड़ी को और रेस्ट कर रहा हूँ, पर चलो अब चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और अपनी गाड़ी भी पूरी ठंडी हो गई है जब से, क्योंकि भाई कुछ तो पैदल खींची है मैंने कुछ यहाँ, तो चलो चलते हैं यहाँ से। तो भाई फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर, और भाई सच बता रहा हूँ इतना अंधेरा हो रखा है ना कि बस कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं अपना फेस भी नहीं दिखा पा रहा, और क्योंकि भाई देखो रात का समय है तो ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं पाऊँगा। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो भाई ज़रूर से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करके जाना भाई, सच बता रहा हूँ बहुत मेहनत लगती है यार।